When you getting gold, why go for tamba? तो ये गाना ना मेरे दिमाग में कल से चल ही रहा है और क्योंकि मैंने कल बत्ती गुल मीटर चालू ये जो मूवी रिलीज़ हुई है फ्राइडे द 21 सितंबर को, तो मैंने ये कल फर्स्ट डे लास्ट शो देखी है अपने दोस्तों के साथ। और इसके पहले कि मैं इस मूवी का रिव्यू चालू करूँ, आई एम सो सॉरी गाइस कि मैं मन मर्जी इस मूवी का रिव्यू नहीं कर पाई। एक्चुअली मेरे घर गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल था तो इसलिए मैं बिज़ी थी और मैं ये मूवी नहीं देख पाई फ्राइडे द 15 सितंबर को। लेकिन क्योंकि इस मूवी में तापसी पन्नू है, डायरेक्ट की गई है अनुराग कश्यप ने और इस मूवी शॉट की गई है अमृतसर में, तो यू नो काफ़ी पंजाबी वाइब्स है एंड मुझे पर्सनली पंजाबी कल्चर और पंजाबी लोग काफ़ी पसंद है, तो ये एक रीज़न था मैंने ये मूवी देखी। लेकिन अगर मुझे इस मूवी का पंजाबी नाल अगर मुझे इस मूवी का रिव्यू करना है तो अपने रिस्क ते देखो, प्लीज़ वॉच इट एट योर ओन रिस्क। लाइक इस मूवी को मैं 2.5 रेटिंग भी ना दूँ, 2 रेटिंग दूँ आउट ऑफ 5, लेकिन कुछ मूवी क्रिटिक्स ने, ऑब्वियसली मैं उनको नेम नहीं करूँगी, उन्होंने 3.5 स्टार्स रेटिंग दी है इस मूवी को आउट ऑफ 5। तो प्लीज़ गाइस, मेरा काम था आपको वार्न करना, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो चलिए जल्दी से बत्ती गुल और मीटर चालू करते हैं। तो 178 मिनट्स की ये मूवी डायरेक्ट की गई है श्री नारायण सिंह ने और इस मूवी में मेन लीड में है शाहिद कपूर अलॉन्ग विद श्रद्धा कपूर, यामी गौतम एंड दिव्येंदु शर्मा, जिनको आपने प्यार का फर्शनामा पार्ट 1 में एज अ डेब्यूट देखा है। तो ये मूवी जो बेस्ड है बेसिकली भारत में जो बिजली की समस्या है और जहाँ पर यू नो फॉल्टी मीटर्स की वजह से गलत रीडिंग आती है और उसकी वजह से ज़्यादा बिल आ जाता है, तो इसी समस्या पर ये मूवी आधारित है। तो जल्दी से बात करते हैं मूवी के एक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है शाहिद कपूर की एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ही इज़ द वन मैन शो ऑफ दिस मूवी। ओके, उनका जो रोल है वो सेकेंड हाफ के बाद तो काफ़ी पावर पैक्ड हो जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो उनकी डायलॉग डिलीवरी, नॉर्थ इंडियन जो एक्सेंट है वो, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। लाइक मेरे हिसाब से जावी मैट और उड़ता पंजाब के बाद उनकी ये परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। नेक्स्टली बात करते हैं दिव्येंदु शर्मा की, तो उनका रोल सपोर्टिव है लेकिन जो बॉय नेक्स्ट डोर का जो रोल है, जो कैरेक्टर है, उसमें उन्होंने काफ़ी जस्टिस किया है। बात करते हैं ज्ञामी गौतम की, तो छोटा रोल है बट ट्रस्ट मी गाइस बहुत पावर पैक्ड परफॉर्मेंस है। और श्रद्धा कपूर की अगर बात करेंगे तो है काफ़ी प्राइम रोल है लेकिन दिल को छू जाए ऐसी कोई बात मुझे पर्सनली नहीं लगी उनकी परफॉर्मेंस में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस मूवी में फरीदा जलाल और सुप्रिया पिलगांवकर जी भी हैं लेकिन मेरे हिसाब से डायरेक्टर ने उनको काफ़ी अंडर यूटिलाइज़ किया है। तो आपने ये मूवी इसलिए देखनी चाहिए बिकॉज सबसे पहली बात तो शाहिद कपूर का परफॉर्मेंस इज़ आउटस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्टली इस मूवी की डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया है। ओके, और इस मूवी में ह्यूमर एलिमेंट भी है तो आई एम श्योर आप इस मूवी को एंजॉय करने वाले हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस मूवी में काफ़ी अच्छा सोशल मैसेज दिया गया है, तो मेरे हिसाब से जितने भी भारत के सदस्य हैं आप लोगों ने ये मूवी जाके ज़रूर देखनी चाहिए। एंड अगर एक रीज़न मुझे देना है कि आप ये मूवी ना देखें तो वो ये है कि मूवी थोड़ी मुझे स्लो लगी, थोड़ी ड्रैग लगी और जो मेन स्टोरी का फोकस है उससे थोड़ी शिफ्ट हो जाता है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच। तो फाइनली अगर वन सेंटेंस रिव्यू मुझे इस मूवी का करना है तो उस मूवी में जो परफॉर्मेंसेस है एक्टर्स के वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा सोशल मैसेज दिया गया है, थोड़ी सी स्लो मूवी है लेकिन ओवरऑल इट्स अ मस्ट वॉच। और मैं इस मूवी को रेट करूँगी 3.5 आउट ऑफ 5 एंड मुझे पर्सनली ये मूवी अच्छी लगी बिकॉज काफ़ी अच्छा सोशल मैसेज है और मैंने ये मूवी इन्जॉय की और मेरे हिसाब से ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए। या और इसके पहले कि ये मूवी रिव्यू मैं ख़त्म करूँ, एक छोटू सा स्पॉइलर मुझे आपको देना है, एक्चुअली स्पॉइलर नहीं है बट एक छोटी सी बात है। इस मूवी में बल ये वर्ड बहुत बार यूज़ किया गया है, नॉर्थ इंडियन वर्ड है, मुझे तो इस वर्ड का मीनिंग मालूम नहीं है, तो अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग मालूम है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इस वर्ड का क्या मीनिंग है। और अगर आप ये मूवी देखने वाले हो या देख चुके हो तो आपको एक चैलेंज करती हूँ, इस मूवी में बल कितनी बार यूज़ किया गया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये था मेरा रिव्यू फॉर द मूवी बत्ती गुल मीटर चालू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना इन द कमेंट सेक्शन, शेयर करना ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बल प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक कीप वॉचिंग मूवीज, स्टे हैप्पी और खुश रहे बल। या